मैम जी दुकान है सन 1928 की है। 1928 के मेरे दादा जी ने यह दुकान शुरू की थी रेड़ श्री शंकर जी ने। उस टाइम कह लो कि दुध और दुध तो बनी आइटम थी, सिर्फ खोआ दुध दही पनीर। उस तो बाद केसर दुध का जो काम है मेरे फादर साहब ने शुरू किया सर। जो केसर दुध है कह लो कि बथेरी कढ़ाइया लगती हैं शहर के बाहरों भी लगती हैं, पर जो मेन नुकता जो फार्मूला मेरे फादर साहब को ही है। केसर मिल तो सू वेल नहीं मिलती, लस्सी तो वेल नहीं मिलती। दिल्ली हो गया, जम्मू हो गया, मैम इतना बथेरी जगह राजस्थान काम कर जाने हैं, दूजे शहर काम कर जाने हैं, तो मैम उस चीज़ तो सब वेल नहीं मिलती। सत श्रीकाल जी, तुम देख रहे हो लुधियाना टाइम्स, मैं हाँ प्रवीन कौर। लुधियाने के बहुत ही यहोजियां जगहां ने जिते कि उन्हों का फूड या फिर कोई यहोजियां चीज़ा जीडिया कि सदियों तो चलद आ रही। अगर आप सर्दियों की गल करिए सर्दियों के लोग जोड़े ने गर्म चीज़ों बहुत पसंद करते हैं। मूंगफली गचक रियौड़ी के नाल केसर वाला दुध तो गर्म गुलाब जामुन जोड़े ने रोज़ की रूटीन के लोग जोड़े ने खाना पसंद करते हैं। तो लुधियाने के चौड़े बाजार के एक शंकर की हट्टी मौजूद है जी कि तीजी जनरेशन की इन्हों वालों दुकान चलाई जा रही है। लोग इतने बहुत भरवे गाड़ी के आते हैं और लोग इतों का केसर वाला दुध और गुलाब जामुन जोड़ा बहुत पसंद करते हैं। और अगर सर्दियों की गलबात की जाती तो सर्दियों के इतने खड़न की जगह भी नहीं मिलती। तो सानू अच्छ समा मिले गलबात करते हैं, थोड़ी जानकारी लें कि किन्ने साल पुरानी जी ये दुकान है। तुम देख सकते हो भी लोग पैकिंग करवा के भी जाते हैं और टेस्ट इन्ना डिवेलप होया हो कि लोग सब तो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो केसर वाला दुध भी पसंद करते हैं, गलबात भी करते हैं। सारी जानकारी लेने। सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल। की नाम है सर? मैम मेरा नाम ईशान सैनी है। सर ये दुकान काफ़ी पुरानी है, बहुत फेमस है लुधियाने के, तो किन्ने साल पुरानी जी की ये दुकान है? मैम जी दुकान है सन 1928 की है। 1928 के मेरे दादा जी ने यह दुकान शुरू की थी रेड़ श्री शंकर जी ने। उस टाइम कह लो कि दुध और दुध तो बनी आइटम सिर्फ खोआ दुध दही पनीर। उस तो बाद जो केसर दुध का जो काम है मेरे फादर साहब ने शुरू किया सर। केसर दुध वाला काम तुहाडे फादर ने शुरू किया, उदों दुध दीआं बणीआं आइटमां बहुत पसंद करते हैं लोग। जे किसी के नाम अगर कोई दुध केसर दुध की गल की जाए तो सब तो पहला माइंड आता भी लुधियाने उत्थे पहुँच के। बिल्कुल, जो पहला कहला यह कह सकते हो कि स्ट्राइक शंकर की हट्टी नाम ही आता सब मन पहला। यह जोड़ा केसर दुध है कह लो कि बथेरी कढ़ाइया लगती हैं शहर के बाहरों भी लगती हैं, पर जो मेन नुकता जो फार्मूला मेरे फादर साहब को ही है बस। हाँ जी, उस तो बाद जान लगे वह नुकता मैनू दे के गए थे। ये नुकते के दम से मैम तुम कह सकते हो कि अपने सबका राष्ट्रपति सके शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने दोतरी के काम किया ब्याह के असी, तो जोड़े अपने दारा सिंह जी से उन्होंने स्टूडियो से दारा स्टूडियो उन्होंने ओपनिंग वाले असी मैम केसर दुध ते लस्सी का स्टॉल लगाया। अच्छा, काफ़ी फेमस जरा पॉलिटिक्स और सैलिब्रिटीज के पहुँच चुके। हाँ जी, हाँ जी मैम। किदा तैयारी किदा की जाती, क्योंकि इस चीज़ को काढ़न का बहुत समय लगता है, किन्ने बजे सवेरे तैयारी शुरू हो जाती है? मैं जी अपनी दुकान सवेरे 5:30 ओपन हो जाती है, पर दुध का काम है सवेरे 6:30 शुरू करते हैं तो रात 9:30 तक अद्धे कंटिन्यू रहता है। दही कढ़ाई जिवें तुसीं रखी हुई इत्ते बस कढ़दा रहूगा दुध नाल? हाँ जी मैम, एक कह सकते हो कि कढ़न नाल नाल जिहड़ा टेस्ट ऑफ फ्लेवर इस पाने हैं जिहड़ा दुध स्वाद नूं वधांदा वा वह चीज़ मैम बस वह सारे करामात है। ये बहुत दूरों दूरों आते हैं, सब तो पहला कॉम्पलीमेंट जिमें दे के जाते हो तो सब तो वधिया कॉम्पलीमेंट तुहानू कि लगता? सब तो वधिया कॉम्पलीमेंट मैम यही लगता वा जिवें पुराने कोई बजुर्ग आते हैं विदेशों चले गए हैं उरे आते हैं तो आके सानू कई बार मिलते हैं दसते हैं कि भाई जो दुध की क्वालिटी तेरे बजुर्गों का टाइम से अज भी तो उतनी कायम रखी हुई है, तो मैम सानू बड़ी खुशी महसूस होती है। थर्ड जनरेशन थोड़ी कंटिन्यू कर रही है, होर आने वाले समय के विच केड़ी केड़ी चीज़ा ने जिहड़ियां इत्थे मिलनियां शुरू हो सकदियां? मैम देखो मेरे को पहला लिमिटेड जी आइटम ने, बस मैं उही लिमिटेड आइटम चाहना कि मैं जिदा मेरे बजुर्ग उन्होंने सर्व करते वधिया क्वालिटी ना देंदे सीगे उही चीज़ नूं मैं उदों ही कंटिन्यू रखा, नवे चक्कर च ना ही पई ज्यादा वधिया वा, एवें नवे चक्कर च पुराना खराब करके बह जाइए आपां। कहिंदे ने काम जे वध जावे तां फिर औखा हो जांदा है टेस्ट, वो फिर जो कहना चादर बड़ी होनी शुरू हो जाती है फिर काम खराब होना शुरू हो जाता है। चादर छोटी जी रखी है, सिंपल काम है, सिंपल बंदे हैं मैम। संतुष्ट तो भी इदा होंगे ना भी हम लुधियाने की गलबात की जाए, लुधियाने बहुत यहोजी चीज़ा ने जिड़िया खाण पीण दियाँ फेमस ने, तो माइंड कभी यही आया भी मैं मतलब मेरा नाम है इस दुकान का नाम है तो मैं ये भी चीज़ जी सर्व करनी शुरू करा? नहीं मैम, इदा ना जिम्मे केसर मिल तो सू वेल नहीं मिलती, लस्सी तो वेल नहीं मिलती। दिल्ली हो गया, जम्मू हो गया, मैम इदा बथेरी जगह राजस्थान काम कर जाने हैं, दूजे शहरों से काम कर जाने हैं, तो मैम उस चीज़ तो सपन वेल नहीं मिलती। ऑर्डर वगैरह उधरों बाहरों भी आते? हाँ जी मैम, बाहरों भी आते, जिम्मे जामा की सप्लाई है, कोई बंदे विदेशों में चले हैं जो कोई पेरेंट्स उन्हें बच्चों मिलन चले हैं, उन्होंने डिमांड आती है भी शंकर तो गुलाब जामुन या बर्फी साढ़े वास्ते जरूर लैके आइए, मिल के साथ जरूर लैके आइए। वो
खुशी जी लगता होगा कि शायद साढ़े बजुर्गों ने यहो जी जी नाम कमाया और लोगों को इदा का स्वाद देख के उन्होंने नाम जो कमाया वो कंटिन्यू रख। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो साढ़े बुजुर्ग साढ़े वास्ते कर गए देखो उन्होंने दिन तक अभी दे नहीं सकते, बस यह है कि उन्होंने क्वालिटी मेनटेन रखा है कि जो बूटा साढ़े वास्ते ला के बूटे उदा ही तरोताजा जी रखिए। बस होर भी कोई ब्रांच खुलण की तैयारी तो नहीं हैगी जे शंकर की हट्टी सानू किसी होर जगह पर भी लुधियाने दे विच मिले? नहीं मैम फिलहाल नहीं है, फिलहाल मैम मैं कला फादर साहब जाने तो बाद बस यही है कि जो अड्डा जिदा छड़ के गए हैं उन उसी मेहनत न उसी तरीके आप कायम रखिए। बस तो तुम ये देख सकते हो भी यदि मेकिंग किस तरीके दे नाल ने दुध नु काढ़िया जांदा है, सवेर तो यह दुध काढ़ना शुरू हो जाता है। अंकल जी किदां दा स्वाद लगता है इत्थों दा? बहुत स्वाद है जी, बहुत स्वाद। किन्ने सालां तों आ रहे हो? असीं आ रहे हां 35 साल तों। 35 साल तों तो तुसीं देखिया 35 साल तों जिहड़ा है स्वाद इन्हां दा डिवेलप होया होया है और अज भी इत्थे उही केसर मिल्क लैण वास्ते आए ने। और अगर लुधियाने की गलबात की जाती है तो बहुत जगहां ने लुधियाने दे विच जिथे कि तुहानूं केसर मिल्क शायद मिल जाएगा पर स्वाद उहो जिहा नहीं मिलेगा जो 1928 दे विच शुरुआत इन्हां दे ग्रैंडफादर वालों की गई सी। तां अज तीजी पीढ़ी जिहड़ी इन्हां दा काम संभाल रही है ते आने वाले समय दे विच भी इन्हां वालों कहा जांदा कि असीं इसे चीज़ नूं अगे कंटिन्यू करांगे, यही आइटम्स जिहड़ियां ने लोकां नूं खवा के इसे तरीके दे नाल खुश करदे रहांगे। इदां दी होर वधेरी वीडियोज़ दी तुसीं देखदे रहो लुधियाना टाइम्स। कैमरामैन दीपक खीवा दे नाल मैं प्रवलीन कौर।